किस राशि के व्यक्तियों को क्या नहीं करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मित्रों कि ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किन किन राशियों से किन किन चीजों को बचना चाहिए। हर एक व्यक्ति कोई भी राशि जन्म से लेकर अपने साथ आता है और फिर उसके बाद वो जन्म की राशि या तो उसके साथ चलती है या कोई नया नाम उसका रखा जाता है और वो राशि उसके साथ चलती है जिसको कारक राशि माना जाता है। तो आप इसको अपनी कारक राशि के नाम से या हिसाब से देख सकते हैं या जन्म की राशि यदि आपकी चल रही है उसी से आपका नाम रखा गया है तो भी आप इस वीडियो को उसी प्रकार से देखें। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जितने भी जातक हैं उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए बहुत शॉर्टकट में। और इस वीडियो को जब आप देखेंगे और जिन चीजों को राशियों के अनुसार मैं बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, तो आप मानकर चलिए उनसे बचाव रखते हैं, उन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो आपके जीवन में कहीं हद तक जाने अनजाने में हो रही गलतियां बचती हैं और हमारे जीवन में आ रहे संकट थोड़े से कम होते हैं और समस्याएं जीवन में कम आती हैं, क्योंकि राशि के अनुसार भी हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो छोटे छोटे से आपको सुझाव दे रहा हूं, निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम बात कर रहे हैं राशियों के अनुसार किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, और राशियों का जीवन पर प्रभाव चंद्र राशि के अनुसार भी पड़ता है और लग्न राशि के अनुसार भी पड़ता है, कारक राशि के अनुसार भी पड़ता है। तो जिस राशि का प्रयोग आप करते हैं उस राशि के हिसाब से आप इस वीडियो को लें। सबसे पहले बात कर रहे हैं मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितनी ऐसी जगह है जो ठंडी है या जितनी ऐसी जगह है जो पानी से संबंधित है उनको बचना चाहिए। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार से अंग भंग होते हैं ऐसे लोगों से अपना व्यापार या अपनी जो दोस्ती है, अपनी जो मित्रता है उसको करने से बचना चाहिए। तीसरी चीज होती है, जो राशि आती है वो आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से बचना चाहिए। खास तौर पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीजें आप अपने मन में सोच रहे हैं उनको किसी से आप डिस्कस ना करें, डिस्कस करेंगे तो वो कार्य आपके पूरे नहीं होंगे। चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं इनको गर्म चीजों से और खास तौर पर ऐसी जगह जहां पर बहुत गर्म क्षेत्र होते हैं वहां पर जाने से बचना चाहिए, या कुछ लोग ऐसे होते हैं गुस्से वाले होते हैं ऐसे लोगों से मित्रता करना अच्छा नहीं होता और बचना चाहिए। अगली राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि है। सिंह राशि वाले लोगों को खास तौर पर एस एच और एस नाम के जितने लोग हैं उनसे बचना चाहिए, और खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसे लोग जो झूठ बोलते हों उनसे भी आपको बचकर रहना चाहिए, उनसे आपको मित्रता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगली राशि की बात करें तो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जितने भी लोग हैं इनको दिखावा करने से बचना चाहिए कि कोई भी चीज अगर आप लेकर आ रहे हैं उसको तुरंत ना दिखाएं, उसको छुपा कर रखें, कुछ समय बाद उसको किसी के सामने लेके आए। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पैरों का विशेष रूप से ध्यान रखें, पैरों का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। अगली राशि की हम बात करेंगे तो वो राशि है तुला राशि। तुला राशि की जब हम बात करें तो आपको दूध से बचना चाहिए, एक तो दूध की चीजों से बचना चाहिए, आपको खट्टी चीजों से भी आपको परहेज रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन को छोड़कर शुक्रवार के दिन आप खट्टी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, उसके अलावा खट्टी चीजों से आपको बचना चाहिए। अगली राशि की अगर हम बात कर रहे हैं तो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक की राशि की अगर हम बात करें तो हमको किसी भी दूसरे का वाहन चलाते में बचना चाहिए, हमको किसी भी दूसरे के काम करने से बचना चाहिए, यानी कि अपना काम तो हम कर ही रहे थे दूसरे का काम भी हमने कर दिया उससे भी आपको बचना चाहिए, उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। अगली राशि की अगर हम बात करेंगे तो राशि है धनु। धनु राशि की अगर हम बात करेंगे तो किसी को भी ज्यादा ज्ञान देने से आपको बचना चाहिए, यानी कि आप अपना जो सुझाव है वो बचा कर रखें, कोई आपसे सुझाव मांगे तभी आपको सुझाव देना चाहिए, उससे पहले अपना सुझाव किसी के साथ भी शेयर ना करें, अपनी ओपिनियन ना दें। अगली राशि की अगर हम बात करेंगे तो वो राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं ऐसे लोगों को लोहे की चीजों से बच के रहना चाहिए, चोट लगने के चांस रहते हैं, और दूसरा घुटने से ऊपर और कमर के बीच का हिस्सा, यानी घुटने से कमर के हिस्से के बीच का जो हिस्सा है शरीर का उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगली राशि की बात करें तो वो राशि है कुंभ राशि। आप लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि जो भी आप काम करते हैं खासतौर पर व्यवसाय, ऐसे व्यवसाय में आप चेक का लेन देन यानी कि कैश ले सकते हैं, आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चल रहे हैं वो ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन चेक या लिखित में कोई चीज करने से आपको बचना चाहिए। और अंतिम राशि मीन राशि की अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों को वाहन चलाते समय भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपको किसी दूसरे का वाहन नहीं चलाना चाहिए, और तीसरी चीज अगर हम बात करें तो आपको किसी के भी दूसरे के काम में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए।
ऐसा अगर आप करते हैं, मीन से लेकर मीन राशि के जितने भी जातक हैं, छोटे छोटे से मैंने सुझाव दिए हैं, इनको ध्यान में रखकर अगर आप काम करते हैं तो आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव पॉजिटिव अवश्य आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।